हेलो स्टूडेंट, आज मैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के यूट्रस के बारे में डिस्क्राइब कर रही हूँ और ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें। यूट्रस इट इज़ हॉलो पायरीफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन। हॉलो क्योंकि ये अंदर से पूरा खाली है, कुछ ऐसा सॉलिड सा नहीं है, एंड पायरीफॉर्म इसका शेप है, मस्कुलर मसल का बना हुआ है, and it is situated in the pelvis between the bladder and rectum। यूट्रस के फ्रंट में ब्लैडर रहता है और बैक साइड में रेक्टम। यूट्रस इन बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम सिचुएटेड है। एंड पोजिशन, द नॉर्मल पोजिशन ऑफ यूट्रस इज एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, कैसे एंटीवर्जन एंटीफ्लेक्शन। दिस इज वेजाइना, सर्विक्स एंड बॉडी। दिस इज द वेजाइना, this is cervix and this is the body of the uterus। Angle between the vagina and the cervix, and this is uterus ऐसे straight नहीं रहता है, वो normally tilt रहता है। जैसे vagina में भी बताया था कि ये normal erect position में 45 डिग्री का angle बनाती है, तो like this। तो वेजाइना और cervix के बीच में जो angle बनता है normally वो 90 डिग्री का रहता है, वो antiversion है। और सर्विक्स और बॉडी, दिस इज़ द सर्विक्स एंड बॉडी ऑफ द यूट्रस, इसके बीच में जो एंगल बनता है इंटरनल ऑस, दैट इज़ द एंटीफ्लेक्शन। इस ये नॉर्मली 120 डिग्री का रहता है, और इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि याद करने के लिए वेजाइना वी, वेजाइना वेजाइना वी से, एंड वी से एंटीवर्जन। सो याद कर सकते हैं कि वेजाइना से जो वेजाइना और सर्विक्स के बीच में, दैट इज़ द एंटीवर्जन। अब इसके मेजरमेंट्स एंड पार्ट्स। मेजरमेंट्स 8 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर फंडस के पास में सबसे जो चौड़ा पार्ट है, दैट इज़ द इसकी चौड़ाई, विड्थ 5 सेंटीमीटर, एंड 1.25 सेंटीमीटर थिकनेस, वाल की थिकनेस जो है 1.25 सेंटीमीटर। इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 50 to 80 ग्राम्स रहता है। एंड पार्ट्स, पार्ट्स मेनली 3 पार्ट्स हैं इसके, बॉडी, इस्थमस एंड सर्विक्स। बॉडी आल्सो कॉल्ड एज कॉर्पस। यहाँ देखेंगे ऊपर से लेके पूरा यहाँ तक ये है, दिस इज़ द बॉडी, और इसमें 2 पार्ट हो जाता है, फंडस एंड बॉडी प्रॉपर। द पार्ट सिचुएटेड अबव द कॉर्नुआ, ये जहाँ से फैलोपियन ट्यूब अटैच्ड होता है, दैट इज़ द पार्ट इज़ द कॉर्नुआ। इसके ऊपर जो पार्ट है वो फंडस है, इसके नीचे इंटरनल ऑस तक जो पार्ट है, दिस इज़ द बॉडी प्रॉपर। ये पूरा इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, इसमें फंडस ऊपर 1.5 सेंटीमीटर, और ये बीच का स्पेस है कैविटी, ट्रायंगुलर कैविटी बॉडी प्रॉपर में जो बनता है, दैट इज़ द 3.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद है इस्थमस, 0.5 सेंटीमीटर का इस्थमस है। इस्थमस बिटवीन द बॉडी प्रॉपर एंड द सर्विक्स, द पार्ट इज द इस्थमस। एंड इस्थमस इट इज़ लिमिटेड फ्रॉम एबव anatomical internal os, this point, and below this is the histological internal os। anatomical और histological internal os के जो पार्ट है बीच में, ये इस्थमस 0.5 सेंटीमीटर। उसके नीचे इस्थमस से लेके एक्सटर्नल ऑस तक का जो भी पार्ट है, दैट इज़ द सर्विक्स। सर्विक्स में 2 पार्ट है, सुप्रा वेजाइनल और वेजाइनल। जहाँ से वेजाइना जो पार्ट वेजाइना के ऊपर है सर्विक्स का, दैट इज़ द सुप्रा वेजाइनल, और जो वेजाइना के नीचे है, वेजाइना के अंदर इम्बेडेड है, दैट इज़ द वेजाइनल पार्ट, और ये है एक्सटर्नल ऑस। अब इसके बाद रिलेशन ऑफ द यूट्रस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल। एंटीरियर एबव द इंटरनल ऑस, ये इंटरनल ऑस है, एबव द इंटरनल ऑस दिस इज़ द यूटरो-वेसिकल पाउच। जैसे ये मैंने यहीं पे बताया था, सिचुएटेड इन द पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट एंड रेक्टम इन द बैक या बिहाइंड साइड। तो यूटरो-वेसिकल ब्लैडर के लिए वर्ड यूज होता है, यूट्रस के लिए। तो इंटीरियर में यूट्रस है, यूट्रस के इंटीरियर साइड में जो ब्लैडर है, ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जो पेरिटोनियम कवरिंग है, वो जो एक पाउच के जैसा बनाता है, दैट इज़ द यूटरो-वेसिकल पाउच। एबव द इंटरनल ऑस के ऊपर जो है, बिलो द इंटरनल ऑस लूज एवियोलर टिश्यू। पोस्टीरियर में पाउच ऑफ डगलस, पाउच ऑफ डगलस, जो कि पेरिटोनियम, जैसे ये यूट्रस है जो कि मैंने वेजाइना के स्ट्रक्चर में भी रिलेशन में बताया था, ये यूट्रस है। यहाँ पे फ्रंट साइड में ब्लैडर है, बैक साइड में रेक्टम है, ठीक है। तो जो रेक्टम, ये रेक्टम का पार्ट है जो पेरिटोनियल की कवरिंग ऐसे इनके बीच में रहती है, दिस इज़ द पाउच ऑफ डगलस। यूट्रस और रेक्टम के बीच में जो पेरिटोनियम की कवरिंग है, दिस इज़ द पाउच ऑफ डगलस। और ये ब्लैडर है यूट्रस, तो जो ये यहाँ पे कवरिंग है, दिस इज़ द यूटरो-वेसाइकल पाउच। और लैटरल में ब्रॉड लिगामेंट, ये यूट्रस का नॉर्मल ये शेप है, ठीक है। यहाँ फैलोपियन ट्यूब है, तो जो यहाँ पे जो बड़ा सा लिगामेंट रहता है, दैट इज़ द ब्रॉड लिगामेंट, दोनों साइड ऐसे रहता है। तो लैटरल में इसका रिलेशन होता है ब्रॉड लिगामेंट से। स्ट्रक्चर, बॉडी 3 लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ यूट्रस के जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 लेयर होता है। सबसे बाहर की तरफ रहता है पेरीमेट्रियम, उसके अंदर में रहता है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर का जो ये है लाइनिंग, दैट इज़ द एंडोमेट्रियम। यही एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम सेडिंग होता है इसका, और मेंस्ट्रुएशन के रूप में बाहर आता है। तो बाहर से अंदर की तरफ पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस एंडोमेट्रियम, ये अगेन 3 लेयर्स में सब डिवाइड हो जाता है, और वो हो जाता है सर्विक्स। अब देखेंगे सर्विक्स। सर्विक्स, दिस पार्ट इज द सर्विक्स, पार्ट ऑफ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड द सर्विक्स। सर्विक्स इज कंपोज ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और इसमें जो इंडो सर्विक्स है, इंडो सर्विक्स मतलब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला इंडो सर्विक्स, ये बना होता है कॉलमनर सेल। यहाँ पे अब ऐसे सोचते हैं कॉलम की जैसा है, तो अंदर में जो भी है यहाँ पे कॉलमनर सेल से बना अंदर वाला। और जो ये वेजाइना में जो भी सर्विक्स का पार्ट है, ठीक है, जो वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स है, ये बना होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, अंदर का कॉलमनर सेल, कॉलमनर एपिथेलियम, और बाहर का जो है स्क्वामस एपिथेलियम। और जो यहाँ पे एक्सटर्नल आस है, यहाँ पे जंक्शन होता है SC, स्क्वामोकोलुमिनर जंक्शन। ये जंक्शन जो कि अंदर में कॉलमनर हो गया, बाहर में स्क्वामस, तो ये जंक्शन हो गया स्क्वामोकोलुमिनर जंक्शन। अब इसके ब्लड सप्लाई, यूट्रस में आर्टरी जो सप्लाई होती है वो यूट्राइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी और वेजाइनल, 3 आर्टरी से सप्लाई है। और वेन्स जो है करस्पॉन्ड करती है जो आर्टेरियल कोर्स है उसको, और वो इंटरनल इलियक वेन में ड्रेन हो जाती है। तो ये यूट्रस का, अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्लास में फैलोपियन ट्यूब और ओवेरी बताऊँगी। थैंक यू।